नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Computer पर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एक मैथमेटिक्स सीजन सेशन चल रहा है हमारा एरिया का, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लास अपलोड कर दी हैं और अब आज जो हमारी क्लास है वह चौथी क्लास है, और जिसमें चौथी क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का पहला और चौथी क्लास का जो हमारा 31वां क्वेश्चन है आज। ठीक है, अब 3 क्लास है, आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लेना, वहाँ से क्लिक करके पहले इन 3 वीडियो को देखें, उसके बाद में अगर इस वीडियो को देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको और अच्छे से समझ में आपको क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है बना है। इस पर 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श करने का खर्च कितना होगा? यानी कि अभी तक क्वेश्चन जो कराए हैं हमने वो बाहर की तरफ भी क्वेश्चन करा दिए हैं कि बाहर की ओर रास्ता बना है और अंदर की ओर भी, तो आप इसको करके देखिए। और मैं इसका एक तरीका और एक ट्रिक जो है मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने की, क्योंकि बेसिक में बिल्कुल जाना नहीं है, हमें जो करना है क्वेश्चन वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट टाइप करना है, और इसके लिए आपको मुश्किल से 20 या 22 सेकेंड का खर्च टाइम करना है और उसमें जो है आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो पहले एक बना लेंगे हम आयत। ठीक है, एक आयत बना लेंगे और आयत में हम देखेंगे लंबाई कितनी है। लंबाई है 110 मीटर और चौड़ाई जो है, यह चौड़ाई है आपकी 65 मीटर। अब इन्हें कहा है इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा, तो 2.5 मीटर चौड़ा यानी कि चारों ओर रास्ता बना दिया, बरामदा बना दिया। ये भी हमारा कितना है 2.5 और इधर भी हमारा कितना है 2.5। हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट बरामदे के निकालना है, यानी क्या करना है, बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे बरामदे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक होती है हमारी डायरेक्ट कि हम लंबाई चौड़ाई को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 110 और आपका 65, 175 यहाँ से हो चुका है। फिर हम रास्ता भी जोड़ देंगे और रास्ता जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 5। अगर रास्ता अंदर की ओर है तो हम यहाँ साइन लगाएंगे माइनस का, और रास्ता अगर बाहर की ओर है, बरामदा बाहर की ओर है, तो हम लगाएंगे साइन यहाँ प्लस का, और जितने का बरामदा जुड़कर आया है इतने से कर देंगे इसकी गुणा। ये होता हमारा डायरेक्ट बरामदा या रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 17×5 यानी यहाँ 170 बचेगा और यहाँ पर आपका 85। ठीक है, तो 17×5 बचेगा, यहाँ आएगा आपका 850 वर्ग मीटर। ये आपका इतना आंसर आया, मगर इतने से कुछ नहीं होने वाला। अगर बोला है इस पर 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श करने का खर्च कितना होगा? तो खर्च जब होता है तो खर्च करते हैं हम कुल क्षेत्रफल और इनटू दर। तो कुल क्षेत्रफल कितना है 850 और दर हमारी है 35/2। दर जो है हमारी वो कितनी है 35/2। अगर मैं इसे 2 से कट करूं तो कितना बचेगा हमारा यहां से, 425 हमारा यहां से हो जाएगा। अब हमारे पास है 425 और 35 का मतलब गुणनखंड, गुणा करना है हमें। 35 पंजे होते हैं आपके 175 का 5 हासिल लगे 17। ठीक है, 35 × 70 और 17 आपके होते हैं 87 और यहाँ से बच्चे आपके हो गए 8। ठीक है, 140 होते हैं, 35 चौक यानी कि 140 और 8 कितना हो गया 148। ठीक है, तो यही बैठा था इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, क्वेश्चन बन चुका है 14875। ठीक है, 14875 जो है हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आप इतने इसको नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन जो है इसको बना देता हूँ यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि 20 और 15 है यहाँ पर। यहाँ पर जो है आपका कितना है 20, यहाँ पर आपका है 20 मीटर और यहाँ पर आपका है 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 15 मीटर है, सवाल दूसरा है आज का और 32वां सवाल है। इसमें 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है और इस पर जो है 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाया गया है। ठीक है, बनाएगा, करिए बिल्कुल, आपका आंसर बहुत फुर्ती से आना चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो केवल क्वेश्चन को। कितना आया? कितना? 26/25, 17.5 यही लिखा है, 17.5। आपका अच्छा इसके अंदर रास्ता बोला, ठीक है, रास्ता अंदर है। ठीक,
या बरामदा अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या करना, हमें एक बरामदा टाइप मतलब आयत बना लेंगे पहले, और आयत की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, इसके अंदर 2.5, ये आपका 2.5 हो चुका है, यहाँ पर भी 2.5। तो हम डायरेक्ट बरामदे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बरामदे का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, यानी कि 20 और आपका 15 जुड़ जाएगा, यानी 20 और प्लस 15 जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में ढाई हमने जोड़ा है 20 और 15 को, फिर हम रास्ते को जोड़ेंगे, और ढाई ढाई कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया। तो अगर रास्ता अंदर है तो इसे या बरामदा अंदर है तो अंदर घटाकर इसी से जो है हमको गुणा करा देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 और, तो यहाँ पर कितना आया 35, और 35 से गुणा जो हम करने वाले हैं, सॉरी 35 नहीं 30, क्योंकि 35 आया, 35 में 5 गए तो कितना बचा यहाँ से 30, और 30 से गुणा करने वाले हैं 5, कितना आया 150 वर्ग मीटर हमारा यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना है खर्च, क्या करना है खर्च, तो खर्च क्या करेंगे 150 और गुणा 35/2, ठीक है, क्योंकि 17.5 का मतलब होता है यहाँ पर 35/2, दो से करेंगे तो कितना आया 75, ठीक है। 35 पंजे 175 अभी करा था, 175 का 5 हासिल लगे 17, ठीक है। और 35 सत्ते 7 21 और 210 हो गया, और 7 5 35 245 हो गया, ठीक है। 245 और 17 ऐड कर दो तो 7 5 12 हासिल लगा 1, और 25 यानी 26 है, यह आना चाहिए फिर तो आंसर 2625, ठीक है। ये था इसका आंसर कितना 2625, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी करोगे तो ऐसा हो जाता है, कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब टाइप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, यानी कि सवाल है आपका 33वां, एक आयताकार पार्क, आयताकार पार्क आपका 60 मीटर लंबा, यानी कि 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी। फिर है इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच कितना 4 मीटर चौड़ा, सॉरी 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी परस्पर दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इन सड़कों पर 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से रोड़ी बिछाई गई, खर्च ज्ञात करो। कोई सवाल में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा माने चलो एग्ज़ाम में बैठ कर कह रहे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि अगर गलती करोगे तो फिर एग्ज़ाम में भी तो यही होता है तुम्हारे साथ, ठीक है, एग्ज़ाम में भी यही होने वाला है। ठीक है, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी परस्पर दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, इन सड़कों पर 7.5 वर्ग मीटर दर रोड़ी बिछाई गई है, और खर्च ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, करिए इसको बताइए। तो यहाँ पर एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसे क्या करना, पहले एक पार्क बना लेंगे, ठीक है, एक पार्क बनाएंगे, और इसकी लंबाई कितनी है आपकी 60, और यहाँ पर चौड़ाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई है आपकी 40, इसके बीचों बीच कितने मीटर चौड़ा 4 मीटर चौड़ा, ठीक है, बीचों बीच ये बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी आपका 4 है,
इस तरीके से। तो पहले सड़कों का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो दो तरीके होते हैं, तो या तो आप इसका टोटल खर्च निकाल के सड़कों का घटा के निकाल दीजिए तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए सड़कों का क्षेत्रफल निकालना, सड़कों का क्षेत्रफल। तो हम सड़कों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहली सड़क अगर देखेंगे तो पहली सड़क की लंबाई 60 है, चौड़ाई 4 है, ठीक है, तो 60 गुणा 4 ये होगी पहली सड़क। दूसरी सड़क की बात अगर हम करें तो यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो 4 है और लंबाई कितनी है 40, तो यहाँ पर कर सकते हैं 40 गुणा के 4, परंतु हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ वर्ग बन गया, एक बार एक ही जगह दो बार गिनी जा रही है, यानी इसमें भी काउंट हो रही है और ये इसमें भी काउंट हो रही है, इस वजह से हम यहाँ से क्या करना है 4 गुणा 4 ये एक बार घटा देंगे वर्ग रूप जो होता, तो 6 चौक 24 यानी कि 240 और प्लस के 4 चौक 16 160 और माइनस के 16, यहाँ 300 में से अगर 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 400 में से अगर 16 जाएंगे तो 384 यहाँ से बच गया। हमें क्या निकालना है खर्च, हमें क्या निकालना है खर्च, ठीक है, अब जो खर्च निकालना था हम क्या करेंगे 384 को हम कितने करेंगे 15/2 से कर देंगे, क्योंकि 7.5 है इसका मान, तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, तो 2 से कट करो, 2 एक ना 2 नम 18 2 धुनी 4 192, और 192 15 गुणा करेंगे 15 उन्हें 30 का 0, ठीक है, 15 का 15 15 में 135 यानी 2880 आया था, ठीक है, कितना बनेगा 2880 यहाँ से इसका बनना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी शायद यही आएगी, कितनी आई 2880, हाँ यही है, तो आपका ये आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया बताओ, क्योंकि ऐसा है ना यहाँ पर ये जो सड़क है यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क है तो ये इसकी लंबाई होगी, तो ये लंबाई कितनी है 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 60 होगी, चौड़ाई होगी 4, तो पहली सड़क होगी ये 60 गुणा 4, दूसरी सड़क जो है इसकी लंबाई जो है केवल 4 मान लो लंबाई के आधार पर, और ये जो है इसकी कितनी है 40, तो 40 गुणा 4 ये दोनों सड़कें आ गई, परंतु यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना ये दो बार काउंट हो गया, एक बार इस सड़क में भी हो गया एक बार इस सड़क में भी, तो एक बार का घटा दो इसमें से, तो ये एक बार का घटा दिया हमने वर्ग, तो 16 घटा दिया हमने इसमें, ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे इसे सिद्ध करना चाह रहे हैं तो देखो सर आराम से, अगर ये पूरा 40 है 4 घटा दो ये वाला तो कितना रह गया होगा 36 रह गया होगा 36, तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तोड़ तोड़ के बिल्कुल तो 384 कैसा आएगा, देखिए पहली सड़क 36 गुणा 4 यानी पहली सड़क का मान लो 36 गुणा के 4, तो 4 संख 24 का 4 हासिल लगे 2 4 के 12 और 2 144 आ गया यहाँ तक, अगर मैं इसको भी ये लंबाई 40 है, अगर ये लंबाई 40 है 40 ना लिखकर मैं इसका कितना लिख दूँ, ये सॉरी 60 है तो मैं 56 लिख दूँ इसको, कितना लिख दूँ 56 दूसरी सड़क का, तो यहाँ लिखूँगा 56 गुणा के 4, तो 4 संख 24 का 4 हासिल 2 4 5 20 और 2 22 ऐड करके देखो, ठीक है 4 5 20 और 6 6 24 22 हो गया, यहाँ से कितना आया 4 364 कहाँ पकड़ रही है, 4 और 4 8 यहाँ पर 2 6 और यहाँ से आपका कितना आया 368 बैठ रहा है, यहाँ से 36 और चौक 72 144 ठीक है 56 जी 56 की 4 की गुणा है 5 चौक 20 और 6 चौक 24 ठीक तो है, चौड़ाई यहाँ से कहाँ गड़बड़ हुई है एक बार देख लेते हैं दोबारा से, अगर हम इसको तोड़ के करते हैं तो ये अच्छा ये ठीक है, ठीक अब देखो क्या करना हमको, ये देखिए इसको क्या करना हमको, अगर ये सड़क यहाँ तक कितने की है, ये सड़क आपकी कितनी बची 4 का, अगर ये वाला रास्ता घटा दें हम इतना, अगर इसको हम किसी भी तरफ काउंट नहीं कर रहे हैं तो अगर 60 थी तो कितना बचा 28 गुणा 4 और 28 गुणा 4 56 हो गया ना, तो 28 चौक 72 और गुणा ये भी प्लस 72 दोनों का कितना आ जाएगा 144, अगर मैं इसको काउंट करूं तो कितना बचा, यहां से बचा आपका 36 तो 18 ये रह गया होगा और 18 ये रह गया, तो 18 चौक 72 36 था ना, तो 28 चौक 56 112 होते हैं नहीं 112 28 दूनी 56 56 दूनी 112 तो 112 है, और यहाँ भी लिख सकते हैं हम 112 कितना आया 224 ही आ गया, फिर यहाँ से 18 चौक 72 और प्लस 18 चौक 72 कितना है 144, अब हमारा रहा ये वर्ग, ठीक है कितना 4 चौक 16 ठीक है, ये आपका 16 और ऐड हो जाएगा जब जाकर ये आपको बनेगा इस तरीके, तो इतने टुकड़ों में ना करके हम डायरेक्ट इसको एक तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है अभी एक ही क्वेश्चन हुआ ना इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए मैं आपको बना देता हूँ चौथे क्वेश्चन नेक्स्ट करिए, एक आयताकार पार्क इसमें क्या है चौथे क्वेश्चन में
चौथा क्वेश्चन हमारा है जी, एक आयताकार पार्क जो है वो कितना है, 25 मीटर है, यहाँ पर कितनी लंबाई है इसकी, 25 मीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी इस पर दो सड़कें हैं, एक सड़क को काट मतलब एक दूसरे को काटती है, इन सड़कों पर चलो 7.5 से निकाल दीजिए, इन पर निकालिए 7.5 से कितना खर्च बनेगा, जल्दी डायरेक्ट सड़कों का निकालना है, करिए इसको, करो फुर्ती से, करिए कितना आएगा, कितना आया, 1080, आ गया सभी का, हाँ भाई चलो देखो कैसे करना, ये सॉरी आयत बना लेना है, यहाँ पर कितना है 25, और ये आपका हो जाएगा 15, इसमें कितनी सड़कें हैं आपका 4, तो यहाँ पर 4 बना दो, और यहाँ पर भी कितना है 4, तो अगर अब मैं हम सड़कों का क्षेत्र सॉरी सड़क है ना, हाँ जी सड़कों का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो पहले कितना है, हम कर सकते हैं कि अगर 4 कम करें यानी एक सड़क ले लेते हैं, इस सड़क की लंबाई कितनी है 15, 15 गुणा चौड़ाई कितनी है, ये आपकी पहली सड़क हो गई है, दूसरी सड़क जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 और गुणा 4, इसमें से 16 घटाना है, 4 चौक 16, तो 15 चौका 60 और प्लस 25 चौका 100 और माइनस कितना आएगा आपका यहाँ से 16, तो 160 में 16 गया वो आपका बचेगा 144, ठीक है, कितना बचा 144 वर्ग मीटर आ गया, यहाँ से हमें निकालना है खर्च, खर्च निकालना है तो करना है 144 गुणा कितना 15/2, 2 से कितनी बार 72 बार, ठीक है, 15 दुनी 30 हासिल लगे 3 और 15 7 105 और 3 108, आंसर कितना आया 1080 रुपये, यहाँ से इसका आंसर बन गया, कितना आंसर आ गया 1080, ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया ये 1080 इसका जो है आपका आंसर बन गया, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है भाई, चलो करो ऐसा नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पेचीदा हो सकता है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं पेचीदा, यह है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है, समझ गए जी, 35वां क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, ठीक है जी, 1.5 गुना है, तथा इसका प्लॉट तथा प्लॉट का क्षेत्रफल, तथा प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल जो आपका है वह आपका 2/3 हेक्टेयर है, कितना है 2/3 हेक्टेयर है, 2/3 हेक्टेयर है, ठीक है, तब प्लॉट का परिमाप कितना है, प्लॉट का परिमाप कितना है, कितना है, करिए तब प्लॉट का परिमाप कितना है, करिए इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया तो समझ लो कि आपको आयतन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और नहीं आया तो फिर इसका मतलब खाना पूर्ति चल रही है, करो कोई बात नहीं है, सेंस लगाओ क्या है, बस थ्योरी जिसने पढ़ ली अच्छे से, इसमें थ्योरी का खेल है और किसी चीज़ का खेल है ही नहीं, खेल है थ्योरी का,
चलो देखो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमें इस तरीके दिया हो, गुना पुना में दिया हो, तो हम एक तरफ तो लिख लो लंबाई और एक तरफ लिखो चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, एल बी होता है। तो डेढ़ गुना का मतलब होता है कि 3:2, ये होता है ना। डेढ़ गुना का मतलब कहते हैं 1 से ही 1/2, तो 2 × 2 = 3/2, ये मतलब होता है। तो लंबाई होगी 3 और चौड़ाई कितनी होगी 2, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना आ चुका है 3 × 2 = 6, इस बराबर कितना है 2/3 हेक्टेयर को वर्ग मीटर बनाओ, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं एक हेक्टेयर में। ये बात नोट कर लेना कि एक हेक्टेयर बराबर जो होते हैं वो कितने होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वर्ग मीटर होते हैं 10,000। ये कई बार सीधा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर अब हम इस को लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6/2 आ जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा 6, तो इस 2 से इसे 3 बार कट कर दो, तो करनी में जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10,000/9, करनी में आ जाएगा 10,000/9। और जब करनी से बाहर निकल गया, क्षेत्रफल जब भी होता है ना वो करनी में होता है, यहाँ 3 बार कटा था तो 3/3 में पहुँच गए, तो कितना आया 100/3, करनी से बाहर कितना आ गया 100/3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये लंबाई जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, लंबाई निकल कर आ जाएगी 100 मीटर, क्योंकि जब हम इसकी 100/3 से गुणा करेंगे तो, और यदि हम 2 की गुणा करेंगे 100/3 से, तो 200/3 यानी कि 6 × 18 = 6 × 18 यानी कि कितना 200/3, ऐसे ही लिख लो 200/3, केवल हम इतना ही लिखेंगे और ज़्यादा नहीं पहुँच रहे। ये आगे चौड़ाई, हमारा परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l + b, परिमाप क्या होता है 2l + b, तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 200/3 बस। तो जब ये 2 3 जगह गुणा करें, पहले ब्रैकेट हल होता है, तो कितना 300 और 200 = 500, यानी कि 2 × 500/3 यानी कि 1000/3, ये आपका आंसर आ गया मीटर में, 1000/3 393.33 जो आपका 33 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है चौड़ाई से वो है 2.5 गुना, यानी 2 से ही 1/2 गुना है, तथा प्लॉट का क्षेत्रफल जो है वह आपका 4 हेक्टेयर है, कितना है 4 हेक्टेयर है, तब प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए, 4 हेक्टेयर है तब प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तो कर ही लेंगे, वरना तो मैं देख लेना इस क्लास में भी डंडा चला दूंगा। ये तेज तो ना पढ़ा था आज मैथ, इसे ये निकलवाएंगे नहीं, इसकी ये ज़्यादा तेज पड़ रही है हाथ पे, काटना नहीं है, पेच लग रहा है, इसको पेच निकाल के जब करेंगे फिर ये बैंक जो है अच्छा हो जाएगा, जो होमवर्क नहीं करेगा तो उस पर तो फिरेगा ही फिर। आ गया आंसर, आ गया, बट ये नहीं पता कि सही है गलत है। चलो अभी देखते हैं कैसा है, यहाँ पर है भाई, जब भी अनुपात बोले तो आप तो इसी को ऐसे लिखना है, L और P, क्षेत्रफल हो गया आपका L V, ये क्षेत्रफल हो जाता है और ये स्क्वायर में होता है जब भी होता है। तो यहाँ पर 2.5 गुना का मतलब है 5:2, 2.5 गुना का मतलब कितना है 5:2, यानी कि लंबाई अगर 5 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी 2, क्योंकि हम 2 से ही 1/2 को लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 × 1 = 5/2, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आया 10 आ गया, 10 = कितना है 4 और गुणा कितनी 10,000, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4000 लिख सकते हैं केवल, और चढ़ा सकते हैं करनी में। अब आप मुझे बताइए कि 4000 कितने का वर्ग होता, किसी का होता ही नहीं, 4000 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 × 10 × 10 × 10 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो अब आप ये बताइए मुझको कि मैं इसे ब्रैकेट से बाहर कितना निकालूं, मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ 2√10, यानी कि 20√10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
20 रूट 10, एक का मान जो आ जाएगा 20 रूट 10 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ तो 20 रूट 10 की, 20 रूट 10 की तो कितना आ जाएगा, 100 रूट 10, 100 रूट 10 आ जाएगा। अगर यहाँ फिर 20 रूट 10 की गुणा करता हूँ तो 40 रूट 10, क्लियर आ रही बात समझ में। ये आ गया आपका 100 रूट 10 और ये आपका आ गया 40 रूट 10, क्योंकि 40,000 होता ना कि 4,000, क्योंकि कर्णी में जितने भी जीरो होते हैं उनके आधे करने, तीन के आधे करोगे डेढ़, वो तो हो ही नहीं सकता। अब हमें क्या निकालना, परिमाप, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई कितनी है वो है 100 रूट 10 और फिर कितना है 40 रूट 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 140, 140 का दुगना कर दो कितना आया 280 रूट 10, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था ये। ये याद आंसर, चलिए क्वेश्चन है, एक कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, 168 वर्ग मीटर है, 168 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई व ऊंचाई, इसकी चौड़ाई व ऊंचाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर व 6 मीटर है, क्रमशः 8 मीटर व 6 मीटर है, 8 मीटर व 6 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, कमरे की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी, करो इसको, करो इसको फुर्ती से, कितना, ठीक। देखिए कमरे का चार दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2L+B×H। अब ये क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना 168, तो अब हमारे पास ये देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा, क्या क्या नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम यहाँ दो लिखना है, लंबाई कितनी हमें निकालनी है, चौड़ाई हमारी दे रखी है कितनी 8 मीटर और हमारी ऊंचाई दे रखी है 6। तो अभी हमारे पास है 12, यानी 6 और 2 12, 12 से काटो डायरेक्ट, 12 का 12 4, 12 चौक 48 14 12 बराबर कितना L+K 8, इतनी बात आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम 14 है, 8 प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 बराबर कितना लंबाई, तो 14 में से 8 का कितना बचा 6 बचा, तो यही हमारी क्या है लंबाई 6 मीटर। इतना करना वहाँ पर, फुर्ती से काम करना, बिल्कुल बहुत फुर्ती से, ठीक है, करो इसे नोट। सवाल यही है आपके भी, एक कमरे का जो क्षेत्रफल है आप चेंज है, 170 वर्ग मीटर है, कितना है 70 वर्ग मीटर, आज का 8वां क्वेश्चन है, 70 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई व ऊंचाई, चौड़ाई व ऊंचाई जो है वो 3 पॉइंट, चौड़ाई व ऊंचाई जो है आपकी वो है 3.5 और 3.5, ठीक है, दोनों की 3.5 है, यानी कि 3.5 और यहाँ भी कितनी है 3.5, अब इसकी कमरे की लंबाई कितनी होगी जल्दी बताओ,
देखो कितनी बनेगी। पाँच पॉइंट पाँच, सात पॉइंट पाँच आनी चाहिए। पाँच पॉइंट पाँच कहाँ सा है? हाँ अभी पढ़ने की ज़रूरत है तुम्हें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम पर लठ टूट गया वैसी क्लास में, ठीक है भाई। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? टू एल प्लस के वी इन टू एच। अब क्षेत्रफल है कितना? 77, ठीक। तो लंबाई हमें पूछी है, चौड़ाई हमारी कितनी है? 3.5, और यहाँ पे भी कितनी है? 3.5। अगर 3.5 से 2 से गुणा करूँगा मैं तो कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7, यानी 7। और 7 से कट करूँगा मैं इसको, कितनी बार कटेगी? अगर मैं 7 से कट करूँगा इसे तो कितनी बार? 11 बार। और 11 में से अगर मैं 3.5 घटाऊँ तो एल बचेगा यानी लंबाई, तो कितनी आई? यानी कि 110 रुपये में से 35 रुपये घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 75, यानी कि 7.5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो चेंज है। क्वेश्चन है, एक कमरे की चार दीवारों पर कागज लगाने का खर्च। कमरे की चार दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 920 रुपये है। यदि एक दूसरा कमरा, एक दूसरा सॉरी दूसरे कमरे जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक पहले से दोगुनी है तब कागज लगाने का खर्च कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपका। तब कागज लगाने का खर्च कितना होगा? करिए इसको। बताओ जल्दी। हो गया? आया आंसर? नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, सिंपल। एक कमरा ये है और दूसरा कमरा इस साइड, इसका क्षेत्रफल क्या है? 2L प्लस बी इंटू एच। इसका कमरा का क्या है? 2L 2V और 2H। तो फिलहाल मैं अभी इस 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, ठीक है। 2 कोमल ले लोगे तो 4 हो जाएगा। 2 कोमल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ये है, 4 आ जाएगा। तो यहाँ L प्लस बी इंटू एच बराबर यहाँ क्या चाहिएगा? 4 एल प्लस के वी और इंटू एच। तो इससे ही कैंसिल, तो रेशियो का बन के आया 1:4 का बन के आया। इस एक का मान कितना है? 920। तो इस 4 से गुणा करा दो 920 की, तो 400, 4×8 और 4×9 36। आपका आंसर कितना आया? 3680 आया, ठीक है। कितना आंसर आया? 3680। बस इतना करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कह दें कि 3 गुनी है, 3 गुनी
टी गुनी है ये, और यहाँ पर 480 लिख रहा हूँ मैं, कितना लिख रहा हूँ 480। करिए क्वेश्चन, अब बनाओ क्वेश्चन क्या बनेगा जल्दी, अब तो पता चल गया, अब तो नकल कर ही सकते हो। तो सिंपल ही है, अब तो नकल करना। हाँ जी संजू सैमसंग, कितना आया 1440, तुम्हारा 43-20। अबे नेक्स्ट, आई डोंट नो, अभी चेक करना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से लिख दिया ना क्वेश्चन। कितना आया 2160। चलिए देखो, 2L+B×H, यहाँ पर तिगुनी है प्रत्येक, तो 3L+3B×3H, तो यहाँ 202 कैंसिल करो, अनुपात में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ L+V×H आ जाएगा, यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा, 3 ये और 3 ये, तो 9 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा L+B×H, तो इससे ये कैंसिल, तो 1:9 का रेशियो है। इस एक का मान कितना है 480, तो 9 से गुणा करा दो 400 से, 9 0 0 9 8 72 का 2 सात, और 9 4 36 और 7 43 20, ये आपका आंसर है। ठीक है, 43 20 आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। अब जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, उसे करके देखिए पहले, ये बात आ गई समझ में। ठीक, आज की क्लास का, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग 11वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, यह है, यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि, यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है, 75 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है, तब आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, कुछ हिसाब लग रहा करने का, कितना आया, गलत है, दोबारा करो, ट्राई दोबारा 30 20, शायद 20 ऑप्शन में है, क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, बाद वाला क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा जब वृद्धि हुई है तो, और पहला वाला कम आएगा, तो
तो पहले कितनी है, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x। इसमें लंबाई में क्या करी गई है, कमी 5 की, और चौड़ाई में क्या गई है, वृद्धि 5 की, यही तो है। तो ये आपकी हो गई लंबाई, सॉरी चौड़ाई, और ये कितनी आ गई लंबाई, ये हो गया क्षेत्रफल। एल गुणा बी नया क्षेत्रफल हो गया, पुराना क्षेत्रफल कितना है एल इंटू बी, यानी कि 2x इंटू एक्स, दोनों में कितने का अंतर है 75 का अंतर, बोल दिया 75, इनकी गुणा करो अंदर 2x स्क्वायर फिर प्लस 10x, ये जाके इससे भी गुणा करेगा माइनस के 5x और प्लस माइनस माइनस 5 पंजे 25 माइनस के 2x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, अब बराबर कितना 75, 5x बचे तो 5x ये माइनस की तरह का 100 हो जाएगा, 75 और 25 5 से कट करेंगे कितना आया 20, तो ये कितनी आ गई चौड़ाई आ गई, चौड़ाई तो आ गई 20, चौड़ाई जो आ गई वो कितनी आ गई चौड़ाई आ गई, बोला ना लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये तो आ गई 20, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 40, बस यही इनके लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, यही इसकी लंबाई चौड़ाई है, करो इसे नोट कर लो। तो आयत जो है लगभग लगभग ख़त्म कर दिया हमने, समाप्त कर दिया, कल जो कराएंगे वो व्रत कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे व्रत, ठीक है, व्रत या त्रिभुज जो भी ठीक लगेगा उसको ही करेंगे, क्योंकि कराना तो पूरा चैप्टर है। ये देखिए आयत के 4 क्लास हो गए, इनकी 40-41 क्वेश्चन हो गए आयत के, ठीक है, आयत आयत के 41, अगर ऐसे हम करेंगे तो 150 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे यहाँ से, क्योंकि 3 पोर्शन और है, तो 4×16 150-160 क्वेश्चन हमारे क्षेत्रफल हो जाएंगे, और जहाँ आपने 150-160 क्वेश्चन करे, फिर अगर 20-30 क्वेश्चन की तुमने अगर प्रैक्टिस कर ली, ये समझ ली फिर आपका क्षेत्रफल बचने वाला नहीं, समझ गए, क्योंकि अभी 40-40 क्वेश्चन भी करे हमने सब पोर्शन के, तो समझिए कि 160 के बन जाएंगे, और फिर कई बात ये कि इनके मिक्स विविध, समझिए उनकी बात करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, चलो।